नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं फार्मिंग में। आज की वीडियो नोवो 655 DI। जी हाँ दोस्तों, नए फीचर के साथ 4x4 में है। प्राइस रेंज का आपको आइडिया देते चलते हैं भाई। 11.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज के अंदर फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है ये। और फ्रंट का जो वेट आप देख सकते हैं 27 kg की एक प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट है भाई, फड़ा लेना। और दोस्तों फ्रंट में यहाँ पर बम्पर वगैरह जो काफी अच्छा ट्रैक्टर में सहूलियत की गई है, और उसके साथ यहाँ पर मडगार्ड ऐड कर दिया गया कंपनी की तरफ से। 4 सिलेंडर इंजन आता है भाई ये, 4 सिलेंडर 65 HP के अंदर दोस्तों ये ट्रैक्टर है। और 2100 इंजन रेटेड RPM है दोस्तों इसके। 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स की स्पीड है इसके अंदर। और लुक वाइज तो काफ़ी जानदार ट्रैक्टर अपने आप में लग ही रही है। उसके साथ में जो ट्रैक्टर की एक बार स्पीड की बात करें तो 33 से 35 किलोमीटर फ्रंट में भाग लेता ट्रैक्टर। कम से कम स्पीड 1.71 किलोमीटर की है पर आवर। और जो इसमें PTO की बात की जाए तो दोस्तों SLI PTO है 540 इकोनॉमिक और रिवर्स, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। थोड़ा सा आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं ट्रैक्टर। यहाँ पर पायदान वगैरह भाई काफ़ी शानदार, फोर व्हील ड्राइव में है दोस्तों, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर। और 11.5 लाख रुपये की प्राइस रेंज का ये ट्रैक्टर है, 65 HP में है दोस्तों। और जैसे ऊपर चढ़ते हैं भाई दोस्तों, कंपनी फिटेड ये स्टाइल वाली छतरी आती है इसके अंदर। एंड रेस्ट के साथ आपको यहाँ पर सीट मिलती है। काफ़ी ऊपर बैठने के बाद लग्जरी फीलिंग आपको ट्रैक्टर में आने वाली है। जो ट्रैक्टर्स का मीटर चेंज कर दिया गया है अभी हाल फिलहाल, आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर बना दिया गया है। और यहाँ पर इंडिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में। और जो सबसे खास चीज़ हमें इस ट्रैक्टर के लगी, ऊपर बैठने के बाद जो फीलिंग आ रही है भाई, वो आगे का जो बोनट वगैरह काफ़ी चौड़ा बना दिया गया ट्रैक्टर का। और ऊपर बैठने के बाद भाई फोर व्हील ट्रैक्टर जो है काफ़ी लंबा चौड़ा और दमदार ट्रैक्टर दिख रहा है हमें। जैसे बीच का प्लेटफॉर्म देखा जाए काफ़ी चौड़ा है दोस्तों, और मज़ेदार इसका जो बीच का प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे गियर देखिए, 5 फ्रंट के गियर है भाई यहाँ पर। और आपको यहाँ पर शटल भी मिल रहा है, देखिए शटल शिफ्टिंग इसमें मिल रही है। और यहाँ पर कंट्रोल वगैरह रेस वगैरह हो गई। उसके साथ में यहाँ पर हाई लो मीडियम 3 गियर आपको ये मिल रहे हैं। इस तरफ से PTO की क्लच हो गई दोस्तों, ये पार्किंग का ब्रेक हो गया आपका। और ठीक है, और जो गियर है वो सिंक्रोमाइज टेक्नोलॉजी की गियर टेक्नोलॉजी का इसके अंदर दोस्तों यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये आपने ऊपर का इसका व्यू देखा, ऊपर का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो ये इसका फोर व्हील ड्राइव का गियर भाई, ये डिफरेंशियल का गियर है, ये क्लच वगैरह। और काफ़ी मज़ा आया ट्रैक्टर देख के दोस्तों। और इसका दोस्तों अगर बात करें तो 60 लीटर का डीजल का टैंक इस ट्रैक्टर का आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसके जो ऊंचाई है, ऊंचाई 2160 mm की ऊंचाई है, लंबाई 3710 की है। और व्हील बेस अगर बात करें तो 2220 का व्हील बेस मिलेगा भाई। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ठीक ठाक है ट्रैक्टर की। टायर 16 के दिए गए हाल फिलहाल, आप इसमें 18 के भी करवा सकते हैं। ऑक्सिलरी वाल 2 हैं इसके अंदर। यहाँ पर काफ़ी हैवी बैक का सिस्टम आपको PTO वगैरह और देखने को मिलेगा ट्रैक्टर का। तो दोस्तों बैक का जो ट्यूब है वो काफ़ी हैवी है ट्रैक्टर की। यहाँ पर ऑयल मिस्ट ब्रेक का यूज़ किया जाता है, स्टाइलिश छतरी का ट्रैक्टर में यूज़ किया जाता है। प्राइस रेंज 11.5 लाख रुपए के अराउंड में मैंने आपको ट्रैक्टर की प्राइस रेंज बताई है। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो खासियत एक और हमें देखने को मिले कि इसके अंदर स्मार्ट की का यूज़ किया गया है ट्रैक्टर के अंदर। और स्मार्ट की के अंदर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर का यहाँ पर लॉक अनलॉक है ना सर, ये पार्किंग का है एक तो, और ये किस लिए है, ये हेडलैम्प रात को अगर जलाने हैं दूर से, ठीक है। और ये ऑफ करने का, ठीक है। तो भाई स्मार्ट की भी दे दी गई है इसके अंदर। तो DigiSense अपने ट्रैक्टर्स के अंदर नोवो के अंदर 655 में यहाँ पर कंपनी द्वारा दिया गया भाई महिंद्रा 4G, तो DigiSense का उपयोग किया गया। साइड में बैटरी दी गई है। उसके बाद में जो आप फीचर देख रहे हैं, तो ये आपके सामने जो ट्रैक्टर है, जैसे मैं की से इसकी पार्किंग दबाता हूँ तो देखिए पार्किंग काम करने लगी ट्रैक्टर की। और उसके बाद जैसे अगर लाइटों का अगर हम बात करें तो देखिए लाइटें जल गई हैं, ये बंद हो गई दोस्तों। तो सब कुछ आपके की के अंदर है अभी, ठीक है। और दोस्तों ये था आपका महिंद्रा नोवो 655 DI का एक ओवरव्यू और थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। और जो सारी की सारी लुक है दोस्तों, 3D फिनिश है, साइडों में यहाँ पर मडगार्ड वगैरह, काफ़ी शानदार अट्रैक्टिव ट्रैक्टर अपने आप में बनाया गया है। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।